हेलो गाइस, मैं सूरजराज और आज आपके नए वीडियो के साथ आए। यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो फिजिक्स के बाद थर्ड पेपर लेके आओ। देखिए, ये एमजीपी रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, जिसका 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, तो उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ, और आपको इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। तो मैं यहाँ देखिए लेके चलने वाला, पहले आपको इन 10 क्वेश्चनों पर फटाफट टिक लगा लीजिए, और उसके बाद ये 10 क्वेश्चन तो आपको रट लेना है, इन 10 क्वेश्चनों को रट लेना है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बचे उनको पढ़ को जाना है, ठीक है ना, उनको पढ़ के जाना है। और पढ़ के जाने के बाद आपको क्या लगेगा कि इन क्वेश्चनों से, यदि इस मतलब 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आप पास हो सकते हो, 6 नंबर से पास हो सकते हो। लेकिन इस परसेंटेज की बात करें तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लगभग 20+ नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। और उससे भी थोड़े एक्स्ट्रा चाहते हो तो आपको मैं जो बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा, जो मैंने बता रखे हैं 18 से 19 क्वेश्चन बताए हैं हर वीडियो में, आपको उन क्वेश्चनों को याद कर लेना है, अच्छी तरीके रट लेना है, इन 10 क्वेश्चनों को रट लेना है, उनको पढ़ के चले जाना है। इन क्वेश्चनों को देखिए आपको कर देते हैं और उनमें से आप बना बना के कर देते हैं, आज याद हो जाता है, तो आप आसानी से अच्छे नंबर से ला सकते हैं। तो चलते हैं, पहले इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन क्या क्या है। तो 10 क्वेश्चन को देखिए टिक लगाइए, और 10 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपको देख लेना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, LCR परिपथ और LR परिपथ, LCR परिपथ और LR परिपथ, जो धारा वृद्धि होती है आपको देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विसर्जन कैसे होता है ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे चले जाना है सीधे, और उसके बाद में मैक्सवेल सेतु द्वारा जो स्वरूप का मापन कैसे करेंगे ये आपको देखना है। मैक्सवेल सेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और साथ में साथ एक सेतु दृष्टिकारी क्या होता है, जिसे हम ब्रिज रेक्टिफिकेटर कहा जाता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, रेक्टिफायर। उसके बाद में आपको रेक्टिफायर देखना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको देखिए यहाँ ये वाला सेतु देखना पड़ेगा आपको। देखिए एक मैक्सवेल सेतु हो गया, ठीक है ना, और एक सैरिंग सेतु हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाए। और नवर्ट की प्रमेय तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवधारण प्रमेय, ठीक है ना, अध्यारोपण प्रमेय, ये तो ज़्यादा पूछी जाती है, नवर्ट की प्रमेय क्या है और ये, ठीक है ना। तो नॉर्डन की प्रमेय और ये देख लेना, अर्धचालक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए अर्धचालक और एन पी संधि डायोड, इनके कार को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, इनके कार को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे चले जाना है, जेनर डायोड तो जानते ही हो आप, जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड को देख लेना, जेनर डायोड का उपयोग कहाँ होता है, दृष्टिकारक, ट्रांजिस्टर, देखिए जहाँ ट्रांजिस्टर तो हर बार में पूछा जाता है, याद रखना ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के वायरिंग विधि क्या है, वो ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। और ये फीडबैक, ठीक है ना, ये फीडबैक का सिद्धांत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेड फीडबैक का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना, लेड लाइन क्या होती है देख लेना पड़ेगा। उसके नीचे बात है मेडुलेशन क्या होता है आपको देखना पड़ेगा ये, और उसके बाद में आपको देखिए CRO ब्लॉक आखिर क्या होता है ये भी देख लेना, याद कर लेना है। उसके बाद में नीचे लेना है एंटीमीटर देख लेना है, ठीक है ना, मल्टीमीटर क्या होता है ये देख लेना, प्रतिवर्ती धारा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरचॉफ के नियम तो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा इन क्वेश्चनों, किरचॉफ के नियम और प्रतिवर्ती धारा को, उसी है DC और AC दोनों देखना पड़ेगा। और देखिए ब्रैंक डाउन विभव क्या होता है ये देख लेना है, और निज अर्धचालक बाहर अर्धचालक तो आप जानते हो, जो तो हाई स्कूल इंटर से पढ़े आए हो, ठीक है ना, तो अर्धचालक निज अर्धचालक को भी याद कर लेना है आपको, ये आपको जैसा भी अच्छा लगता है वैसे याद कर लीजिए। उसके बाद में पाइप फिल्टर क्या होता है ये आपको देख लेना है, पाइप फिल्टर, और फिल्टर परिपथ क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में नीचे एन पी संधि डायोड के देखिए आप ऊपर बता चुका हूँ, उसके समीकरण जरूर देख लेना, ठीक है ना, और मेडुशन के ये भी मेडुशन बता सको, मेडुशन इफेक्ट्स क्या होता है ये भी आ जाएगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और ट्रांजिस्टर के कार्य प्रणाली तो आप जानते ही हैं, जब ट्रांजिस्टर पढ़ोगे तो उसका कार्य प्रणाली कैसी है, तो ये तो सब आप देखोगे, ठीक है ना, बस इतना क्वेश्चन देख के चले जाना, और उसके इलेक्ट्रेड दोलंत्र ये देख लेना, दो लीटर क्या होता है, ठीक है ना, बस इतने क्वेश्चन आपको याद कर लेना, रट लेना इन क्वेश्चनों को, उसके बाद मुझे बताना कि आपने जो क्वेश्चन मैंने जो बताए वो सारे के सारे आए, यहाँ से सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग 12 क्वेश्चन होंगे, इतने याद करके चले जाना, बस पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना पड़ेगा, और पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। देखिए जो हम क्वेश्चन देते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपको तो पता है कि पेपर लीक होता है, अच्छे तरीके से वो याद होगा आपको, पेपर लीक होता है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें लाइक ही, टिकटॉक भी फॉलो करिए, बाय, टाटा।